हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो जी, सुबह के अभी बजे हैं 3 और ये देखो मेरे बच्चे दोनों उठ रहे हैं अभी। नहीं, ये नहीं पता इतनी जल्दी उठ कर जाना कहाँ, और दोनों के दोनों दूध मांग रहे हैं। हाँ तो अभी उठने का टाइम थोड़े ही हुआ बेटा, 3 बजे थोड़े उठते हैं बच्चे। और अभी तो मैंने 3 बजे तो वीडियो भी बनाई, उठते ही बहुत देर के रहे, मतलब पता नहीं इतनी जल्दी कैसा हुआ पुलिस की। तो मतलब 3 बजने से पहले उठ गई थी और इसी आज लगी दूध की भूख, तो मैंने इसको दूध दे दिया था। और हाँ ये देखो, इसको भी दूध चाहिए। दूध पिएगा दीदी ने पी लिया। मम्मी कहते फेंका नहीं होगा बेटा, रखा होगा। मैं ना भी देखती हूँ, पहले दूध दे दूँ भाई को, है ना। तो ये देखो 3:08 हो रही और इधर ये दूध पी रहा, और ये तो अच्छा है, रात भी खाना खा कर सोया था। जो भी खाता है ये। हाँ पी लिया। नहीं तो इसमें तो आपको पीना है। पी लिया, देखो इतना दूध पीना था इसे, 2 घूंट दूध भी तो ही चख लिया। उधर आदि सो रहा और ये आदि के पापा जी, मम्मी किसको खा रहा, और ये बैठ के किताब लेके क्या करेगी अब? टीवी देखेगी। हे भगवान, इन बच्चों को समझाओ कोई। बेटा सो जाओ, अभी सोने का टाइम हो रहा, इतनी जल्दी उठकर कहाँ जाओगे। चलो बेटा आप सो जाओ वहाँ। देखा विराज तो बहुत प्यारा बच्चा मेरा, अपने वहाँ पर सो जा। हैं देखे मुंह धार हो रही है तो सफेद। अभी चला रही बेटा इनका, देख खून सी हो रही है और मच्छर भी काट रहा है। देखो कितना प्यारा, जो प्यार कर रहा आपको, लेकिन इसकी मैंने हत्या कर दी। इसकी कैसे हिम्मत हुई मेरी मेरे होते हुए। वही तो कह रही, मेरे होते ही इसका खून पीने की कैसे हिम्मत हुई। प्यार कर दो दीदी को, अब तो मैं रख लिए कहीं भी घूमना कर दिया। तो जी पहुंच चुके थे देवताओं पर साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दीपावली से अगले दिन अमावस्या होती है, और अमावस्या के दिन यहाँ पर सभी जो मतलब हमारी कास्ट के हैं वे सब इकट्ठे होकर पूजा करते हैं अपने पितरों की। तो यहाँ पर सभी मिलकर साफ़ सफाई कर रही है, ये नहीं कि अकेले ही है। तो वो 2-3 जने थे, इन्होंने पहले तो घास काटा था यहाँ से, जो भी घास दूब खड़ी हुई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत दूब खड़ी हो जाती है आसपास बस, और कुछ नहीं तो थोड़े से फूलों के पेड़ हैं बस, नहीं तो बाकी साफ़ सफाई तो रहती है वैसे हमेशा, लेकिन हर बार ये कली ज़रूर करते हैं इन पर, ताकि इनकी भी साफ़ सफाई हो जाए साल में एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर ये पुताई कर रहे थे, और ये इन्होंने घास वास काटा हुआ ना, तो ये इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। तो पितरों का ये जो कली है कितनी प्यारी लग रही है ना, कमेंट करके बताना, बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो। और ये देखो पेंट वेंट ऊपर करके लगे पड़े
सारे के सारे। और यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छी होगी। अभी अधूरी है लेकिन क्योंकि लगे हुए हैं अभी, और आपने देखा भी दीवार पे कौन सा कलर है और देवताओं पर कौन सा हो चुका है, थोड़ा अलग से हो रहा है जो कली का कलर है। और इधर जो समाधि बनी हुई है इन पर भी कली कर दी थी इन्होंने, पहले इन्होंने शायद इन पर ही करी थी। और वैसे भी दो जने हैं, एक जना इधर लग रहा होगा एक जना उधर, तो ये तो मुझे पता नहीं। बस ये है कि थोड़ी सी क्लिप बना ली थी इन्होंने, तो मैंने सोचा चलो इनको ही डाल देती हूँ। वैसे तो पिछले साल यहाँ पे ना सभी भंडारा होता है ना, तो सभी जो इतने भी हमारी कास्ट के होते हैं अमावस्या के दिन में सब यहाँ पर खाना खाने आते हैं, बच्चे बूढ़े जितने भी जो भी होते हैं घर में सदस्य। और जो नहीं आ सकते उनका घर पर ही चला जाता है खाना। तो पिछली बार होनी थी ये सब, मतलब अमावस्या जिनको पराई बोलते हैं, तो वो पराई नहीं दी गई थी पिछले साल, क्योंकि जो ताई जी थी उनमें एक्सपायर हो गई थी दीपावली वाले दिन ही, तो इसीलिए। तो जी घर का मैंने सभी काम कर दिया है, देखो खाना भी बना लिया और चूल्हा भी साफ कर दिया और बर्तन भी। तो अब मुझे करने हैं धोने हैं कपड़े, कपड़े आज थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे संडे का दिन था तो एक अब जोड़ी है कपड़े, ज़्यादा नहीं। तो कपड़े धोने के बाद मिलते हैं और फिर नहलाएंगे अपने पशुओं को। और ये घूम रहा है अनग, अनग उस आदि कैदन को मम्मी की वीडियो बना दे। इधर की ओर काट ले तू भी सिलवाई कर दिया तुम माँ पे। तो एक दिन सिलवाया था तो मैं जा रही है।
तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड।